नीना से मैं पहली बार लिटरेचर फेस्ट में मिला था। उस दिन वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। सर, एक ऑटोग्राफ मिलेगा? जी हाँ, क्यों नहीं। सर, मैंने आपकी सारी नॉवेल्स पढ़ी है, 2-3 बार। आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिस्टर वेद, आप समझे नहीं, ये बुक खोल के तो देखिए। मेरी किताबें शायद उसे ज्यादा ही पसंद थी। आपने तो काफी ध्यान से ये पढ़ी है। मैं भी ऐसा मौका छोड़ने वालों में से नहीं था। चलिए मेरे साथ कॉफी पियेंगे। साल भर में ही हम दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए थे। हम दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी। नीना, क्या तुम्हें याद है, हमने पहली बार कॉफी यहीं पी थी। उस दिन से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और अब ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से ही एक दूसरे के लिए ही बने थे। सच में वेद, तुम्हारे साथ एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नीना गुप्ता, आई लव यू। क्या तुम मेरे साथ बाकी की जिंदगी भी गुजारोगी? ओह माय गॉड, यस, आई लव यू टू वेद। और नीना से मेरी शादी हो गई। शादी के पहले से शुरू हुआ हनीमून पीरियड शादी के 2 साल बीतने के बाद भी अपने चरम पर था। मेरे पास वो सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली जीवन संगिनी। पर ये सब कुछ बहुत जल्द बदलने वाला था। सर, मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं एक ऑनलाइन न्यूज क्रिएटर हूँ। हम हमारी वेबसाइट पे आपकी नॉवेल्स के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हैं। वैसे तो मैंने बहुत कुछ लिख लिया है, लेकिन लेकिन मैं आपके घर आकर जहाँ आप लिखते हैं वहाँ बैठकर आपको लिखते हुए देखना चाहती हूँ। तो उसमें दिक्कत क्या है? आपकी राइटिंग स्टाइल स्टडी करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, आ जाना, यू आर मोस्ट वेलकम। अब मुझे कहाँ पता था कि मेरी एक हाँ मेरी आने वाली सारी जिंदगी को नाम में बदलने वाली है। दूसरे ही दिन मेहर मेरे घर आ पहुंची। आइए, वेद ऊपर लिख रहे हैं, उन्होंने बताया था मुझे आपके बारे में। मेहर का मेरे घर आना जाना अब सामान्य हो गया था। वो अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड थी। घंटों तक मैं लैपटॉप पर अपनी नॉवेल पर काम करता रहता और मेहर मुझे बारीकी से काम करते हुए स्टडी करती। हर बार की तरह इस बार भी मैं अपनी नॉवेल लिखने के लिए नीना को लेकर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर आया था। वहां मुझे शांति से लिखने में मदद मिलती थी। मेहर भी वहां रोज आती थी। एक दिन मैं कुछ जरूरी सामान लाने बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ, कितना बढ़िया मौसम है। चलो पहले कुछ नाश्ता कर लेता हूँ, फिर नॉवल पे काम करना शुरू करूंगा। नाश्ता करके मैंने अपनी डेस्क ड्रॉअर से जैक डेनियल्स निकालकर अपने लिए एक पैक बनाया और काम करने बैठ गया। मैंने अपनी चेयर गार्डन की तरफ घुमा रखी थी कि तभी मेरी नजर गार्डन में लगे मिडनाइट लिली के पौधों पे पड़ी। मिडनाइट लिली नीना का सबसे पसंदीदा फूल था। हमारे गार्डन में नीना ने मिडनाइट लिली की कई क्यारियां लगा रखी थी, पर मुझे मिडनाइट लिली के फूल बेहद नापसंद थे। एक दफा मैंने नीना को पूछा भी था, मुझे कभी समझ नहीं आता कि तुम्हें ये मिडनाइट लिली के बदसूरत फूल इतने पसंद क्यों हैं? वो इसलिए राइटर साहब, क्योंकि जब रात के अंधेरे में बाकी फूलों की खूबसूरती खो जाती है, तब ये मिडनाइट लिलीज सुंदर भी होती हैं और अपनी प्यारी सी स्मेल से पूरे एटमॉस्फेयर को फ्रेश कर देती हैं। क्योंकि इन फूलों की खूबसूरती एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल है। अरे वाह, अब कौन आ गया? अरे मेहर, तुम? मैं वो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मिलती चलूं। तुम तो पूरी तरह भीग गई हो, टावल लेकर आता हूँ। ओके सर। मुझे उसकी बात कुछ अटपटी लगी, लेकिन उसका हाल देखकर मैंने उसे अंदर बुलाया। सॉरी सर, मुझे बहुत भूख लगी थी। नीना मैम कहीं नजर नहीं आ रही? हाँ, वो सामान लेने जरा बाहर गई हैं। मैं मेहर को लगातार देखता रहा। भीगे बालों में वो कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसे घूर रहा था। आप ठीक हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। मैं नीचे स्टोर रूम में जाकर अलमारी में से नीना का एक ड्रेस ढूंढने लगा, पर मेरे मन में एक अलग ही द्वंद चल रहा था। नीना से मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। उस खड़ी मुझे मेहर को पाने की हसरत हो रही थी। ये क्या तू कर रहा है वेद? अपनी बीवी को धोखा दे रहा है? नहीं, मैं नीना को धोखा नहीं दे रहा। देख, तू मेहर को ड्रेस देगा और उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं खुद में बड़बड़ाते हुए कमरे की तरफ आया, लेकिन मेहर पर मेरी निगाहें पड़ते ही मैं जैसे हक्का बक्का हो गया।
उसने दारू की आधी बोतल पी के खाली कर दी थी। कम या मिस्टर वेद, अब इतनी दूर क्यों खड़े हैं? ये तुम क्या बोल रही हो? ओ कम ऑन वेद, नीना को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, मैं नीना को धोखा नहीं दे सकता, मैं नीना से प्यार करता हूँ। देखो मुझे भी कोई अफेयर नहीं चाहिए, बस एक रात की बात है, कम ऑन। नहीं ये गलत है। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मेहर मेरे बहुत नजदीक आ गई। मेहर ने मुझे जोर से पकड़ लिया, मैं उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर अब मैं धीरे धीरे अपना संयम खो रहा था। मेहर का जादू मुझ पर हावी हो रहा था। लेकिन तभी वेद, ये तुम क्या कर रहे हो?